चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सीपीएल 2021 के बारे में, कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 भाई बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। फुल डिटेल्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, स्टार्टिंग डेट, फाइनल डेट क्या है, इंडियन टाइमिंग, कौन से टीवी चैनल पर आप इंडिया में देख सकते हो, कौन से मोबाइल ऐप पर आप इंडिया में देख सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूं। टीम्स का नाम आपको पता चलेगा, मेन मेन खिलाड़ी कौन है हर टीम में वो भी आपको बता दूंगा। तो फुल डिटेल वीडियो होगा भाई 2021 के सीपीएल के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना आपको अगर जानना है। तो जैसा कि आपको CPL के बारे में पता ही होगा, जो कि भाई वेस्ट इंडीज का एक T20 लीग है हमारे IPL के तरह, और बहुत ही उम्दा तगड़ा खिलाड़ी वहां पर खेलता है और बहुत ही एंटरटेनिंग होता है भाई हर मैच है। तो आपको तो देखना ही पड़ेगा हर मैच को, क्योंकि आप एक क्रिकेट फैन हो तो आपको फॉलो करना चाहिए कैरेबियन प्रीमियर लीग को भी। तो यहाँ पर मैं आपको अब फुल डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो भाई स्टार्टिंग डेट है 26 अगस्त, आज से स्टार्ट हो रहा है CPL 2021 और फाइनल मैच खेला जाएगा भाई 15 सितंबर को। इंडियन डेट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन डेट के अनुसार आपको अगर पूरा चीज़ जानना है फिक्सर के बारे में तो आप क्रिकबाज को फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट है भाई आज 26 अगस्त और एंडिंग डेट है यानी कि फाइनल मैच का डेट है 15 सितंबर 2021 में ही। और इसके बाद अगर मैच स्टार्टिंग टाइम की बात किया जाए इंडियन टाइम के अनुसार, तो भाई कुछ कुछ मैच आपको शाम 7:30 बजे से मिल जाएगा 7:30 PM को, उसके बाद कुछ कुछ मैच आपको 4:30 AM को मिलेगा यानी कि रात में। उसके साथ साथ रात 12 बजे से भी भाई कुछ कुछ मैच स्टार्ट होगा 12 AM को। तो इन तीन टाइम को आपको आप फॉलो करना पड़ेगा आप अगर मैच देखना चाहते हो। रात जगकर अगर नहीं देखना चाहते हो तो आपको हाईलाइट मिल जाएगा, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा लाइव टेलीकास्ट का क्या है चीज़, वो पूरा डिस्कशन अंत में जाकर होगा। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टीम पार्टिसिपेट करने वाला है इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में कितना टीम खेलेगा। तो पहला टीम है भाई ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, उसके बाद गुआना अमेजन वॉरियर्स, नेक्स्ट है सेंट लूसिया किंग्स, उसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स, बारबाडोस रॉयल्स, उसके बाद जमैका तलाइवास। इन छह टीमों को ही आप लोग पार्टिसिपेट करते हुए इस टूर्नामेंट में देखेंगे। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि दो टीमों का नाम चेंज हो चुका है, कि भाई सेंट लुसिया किंग्स जो कि इससे पहले सेंट लुसिया जुक्स था, यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब का ऑनर घुस चुका है, इसीलिए यहां पर सेंट लुसिया किंग्स रखा गया है ब्रांड वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए। उसके साथ साथ बारबाडोस रॉयल्स जो कि भाई इससे पहले बारबाडोस ट्रिडेंट्स था और यहाँ पर भाई घुस चुका है राजस्थान रॉयल का ऑनर, इसीलिए यहाँ पर बारबाडोस रॉयल्स रखा गया है। दो टीमों का नाम इस बार चेंज हुआ है भाई। और इसके बाद अगर पहले मैच की बात किया जाए कि कौन सा दो टीम इस बार स्टार्ट कर रहा है सीपीएल को, तो भाई पहला मैच 26 अगस्त को शाम 7:30 बजे होने वाला है, गुआना अमेजन वॉरियर्स ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, इन दोनों के बीच पहला मुकाबला होगा आज शाम 7:30 बजे 26 अगस्त को। तो आज जरूर देखना भाई इस मैच को, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट कुछ देर बताता हूं कि कहां पर आपको देखना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी मौजूद है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है उनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको साइड में पूरा स्क्वाड दिख जाएगा लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का ही नाम बताने वाला हूं हर टीमों का। तो पहले अगर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की बात किया जाए, तो भाई ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का इस बार का कैप्टन है कैरन पोलार्ड। इसके अलावा इस टीम में आपको सुलिन नाडिन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद कॉलिन मुनरो मौजूद है, इसरो उदाना है, अली खान है, इसके अलावा आपको यहाँ पर लैंडन सिमेंस देखने को मिल जाएगा, डेरेन ब्रावो मौजूद है, लेकिन भाई डीजे ब्रावो यहाँ से निकल चुका है इस दफ़ा, तो ये सब खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए गुआना अमेजन वॉरियर्स की, तो यहाँ पर आपको कप्तान के रूप में नज़र आ जाएगा निकोलस पुरन, इसके अलावा इमरान ताहिर, मोहम्मद हफीज, उसके बाद शोएब मलिक इस टीम में मौजूद है, सिमरन हिटमायर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोग फुल लिस्ट चेक कर सकते हो, ये सभी खिलाड़ी इस टीम के साथ शामिल है इस दफ़ा। और इसके बाद अगर सेंट लुसिया किंग्स की बात किया जाए, तो यहाँ पर आपको कप्तान देखने को मिलेगा फाफ डु प्लेसी, इसके अलावा वहाब रियाज यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद रकीम मौजूद है, आंद्रे फ्लिचर मौजूद है, उसके बाद किमो पॉल मौजूद है। आप लोग पूरा लिस्ट यहां पर देख सकते हो, ये कुछ है भाई मेन खिलाड़ी सेंट लुसिया किंग्स का। और इसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट की अगर बात किया जाए, तो यहां पर भाई कप्तान रहने वाला है रायद अमरीत, इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है भाई रवि भोपार, उसके बाद फाद अहमद, क्रिस गेल इस टीम में मौजूद है, डीजे ब्रावो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, उसके बाद एवेन लुइस है, फेब्रियन एलेन है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सभी भाई इस टीम का हिस्सा है। और इसके बाद अगर बारबाडोस रॉयल्स को देखा जाए, तो यहाँ पर आपको कप्तान देखने को मिल जाएगा जेसन होल्डर,
इसके अलावा यहाँ पर भाई मोहम्मद आमिर मौजूद है, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स है, तिसारा परेरा है, साई होप है, इसके अलावा ओसियन थॉमस इस टीम में मौजूद है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये सभी इस टीम का हिस्सा है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए जमैका तलवाज के बारे में, तो यहाँ पर आपको कप्तान के रूप में देखने को मिल जाएगा रमन पवल, इसके अलावा यहाँ पर क्रिस ग्रीन मौजूद है, कार्लोस ब्रेथवेट मौजूद है, उसके बाद अंदर रसल इस टीम में है, हैदर आली है, तो ये टीम भी भाई बहुत ही स्ट्रांग है। आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, ये सभी खिलाड़ी इस टीम पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपको ऑफिशियल हैंडल पर भी भाई फुल लिस्ट मिल जाएगा, आपको क्रिकबज पर भी मिल जाएगा फुल लिस्ट टीमों का, तो आप लोग जाकर वहां पर भी चेकआउट कर सकते हो। यहां पर ज़्यादा कुछ मैं आपको डिटेल में टीम के बारे में, टीम के खिलाड़ियों के बारे में नहीं बता रहा हूं, आप लोग ऑलरेडी लिस्ट देख सकते हो। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं लाइव टेलीकास्ट के बारे में। इंडिया में आप किस तरीके से देख सकते हो, कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हो, कौन से मोबाइल ऐप पर देख सकते हो, तो स्टार स्पोर्ट्स ने भाई एक्सक्लूसिवली 2 साल का डील CPL के साथ साइन किया, आपको शायद पता होगा, जिसके चलते आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिल जाएगा हर मैच, और उन टाइम को फॉलो करना पड़ेगा जो टाइम मैंने आपको बताया था, आप अगर लाइव देखना चाहते हो तो। तो टीवी चैनल की अगर बात किया जाए तो आपको स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर मिल जाएगा, स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स 2 HD पर मिलेगा टीवी चैनल में। और इसके बाद अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात किया जाए कि आप मोबाइल में किस तरीके से देख सकते हो, तो उसके लिए आपको फैनकोड ऐप में मिल जाएगा लाइव टेलीकास्ट, साथ साथ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी CPL 2021 का मैच लाइव टेलीकास्ट होते हुए दिखाई देगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर डिज्नी हॉटस्टार पर होता है तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं मोबाइल पर। तो भाई ये रहा CPL 2021 का फुल डिटेल्स, आपको और भी अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथ साथ भाई यहाँ पर ऑडियंस अलाउ है, कुछ दर्शक आकर मैच को लाइव देख सकता है स्टेडियम पर, और एक ही स्टेडियम पर मैच होगा भाई, सेंट किट्स के स्टेडियम पर, वर्नर स्टेडियम जो है भाई वहां पर पूरा मैच को खेला जाएगा, पूरा टूर्नामेंट को खेला जाएगा इस CPL 2021 का। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं।